नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट, मैं हूं वंदना। और आपको पता है कि बिहार में प्रथम चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं, दूसरे फेज के चरण के मतदान होने वाले हैं। इसको लेकर के तमाम जो राजनेता हैं वो पटना की सड़क पर उतर चुके हैं। इसी क्रम में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी नवीन के जनसभा के लिए आप देख सकते हैं कि केंद्रीय मंत्री बीजेपी के रविशंकर प्रसाद की सड़क पर उतर चुके हैं और लगातार जो है वो कैंपेनिंग नितिन नवीन को जिताने के लिए जनता से वोट की अपील कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो है वो एनडीए की एक तरफ से जीत की ये दावेदारी करने के लिए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद पटना की सड़क पर उतर चुके हैं। और आपको बताते चले कि पटना के जो भी मंदिर जो बीच कैंपेनिंग में मिल रहे हैं, जो पदयात्रा में मिल रहे हैं, वहाँ पर शीश नवा करके हम आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आशीर्वाद लेने का काम कर रहे हैं। और तमाम जो रास्ते में जो लोग हैं, सब्जी वाले, फल वाले, सभी से हाथ जोड़ करके वो वोट की अपील कर रहे हैं और लगातार जो है वो जीत की जो है वो मांग कर रहे हैं। तो ये तस्वीर पटना की सड़कों पर कहा है, जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं कि केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद नितिन नवीन के पद यात्रा में शामिल हुए हैं और बहुत भारी संख्या में जीत दिलाने की यह जो है वो तैयारी चल रही है। तो आपको तस्वीरों के माध्यम से भी हम दिखाना चाहेंगे कि बीजेपी की तरफ से जो है वो कमर कस ली गई है और पटना की सड़कों पर जो है वो नेता जो है वो उतर चुके हैं। ये तस्वीर पटना की है और बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र की है, जहाँ जो तमाम जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो पटना की सड़कों पर है और जो है वो जीत की और जो है वो अग्रसर पटना की सड़कों पर लोगों से अपील कर रहे हैं। हम आपको और भी आगे तस्वीर दिखाएंगे। इस खबर बस इतना ही। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। धन्यवाद।